रेवाड़ी दिल्ली रेलवे लाइन पर एक्सप्रेस ट्रेन के सामने कूदकर युवक युवती ने खुदकुशी कर ली। रेलवे पुलिस ने इस मामले में शवों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। शवों की पहचान राजस्थान के जिले अलवर के कोटकासिम के रहने वाले युवक युवती के रूप में हुई है। पुलिस का कहना है कि अभी मामले की जाँच की जा रही है, जाँच के बाद ही जो कुछ सामने आएगा वो बताया जाएगा। जानकारी के मुताबिक मंगलवार रात को दिल्ली से रेवाड़ी के रास्ते जयपुर जाने वाली मंडोर एक्सप्रेस ट्रेन जब रेवाड़ी जंक्शन पहुंची तो उसमें एक व्यक्ति की पैंट और कटा हुआ पैर लटका हुआ था। करीबन 300 मीटर दूरी पर युवक का शव भी पड़ा हुआ मिला है। पुलिस इस मामले में शव की शिनाख्त के लिए कोशिश कर रही थी कि सूचना मिली कि दिल्ली रेलवे लाइन पर कुंभावास गाँव के पास रेलवे ट्रैक पर एक लड़की का शव भी पड़ा हुआ है। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और लड़की का शव भी कब्जे में लेकर आसपास के इलाकों में तलाशी ली गई, लेकिन पुलिस को कोई सुराग हाथ नहीं लगा। रेलवे इस मामले में दोनों शवों की पहचान के लिए कोशिश कर रही थी कि लड़की के परिजन पुलिस थाने पहुंच गए। दरअसल कुंभावास गांव के पास रेलवे के छोटे अंडरपास में दो बैग और एक हेलमेट पड़ा हुआ था। वहां से निकलने वाले एक व्यक्ति ने बैग पड़े हुए देखे तो उसमें एक मोबाइल नंबर मिला, जिस मोबाइल नंबर पर कॉल करके परिजनों को सूचना दी गई। मरने वाले लड़का और लड़की की उम्र करीबन 20 से 25 वर्ष है। दोनों अलवर जिले के कोटकासिम के पास के गांव के रहने वाले थे। लावारिस मिले बैग में युवक युवती के दस्तावेज, मोबाइल फोन, लैपटॉप आदि मिले हैं। सूचना के बाद लड़की के परिजन रेलवे पुलिस थाना पहुंचे। फिलहाल पुलिस ये कह रही है कि पहले परिजनों के बयान हो जाए, उसके बाद ही आगे कुछ बता पाएंगे, जबकि परिजन इस मामले में कुछ बताने को तैयार नहीं है। बहरहाल शवों को पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल रखवा दिया है। पुलिस की शुरुआती जांच में ये प्रेम प्रसंग से जुड़ा मामला लग रहा है। ऐसे में जांच के बाद ही साफ हो पाएगा कि युवक युवती रेवाड़ी क्यों आए और वो कब से घर से लापता थे और आत्महत्या के पीछे असल क्या वजह रही। बीती रात को जो दिल्ली की तरफ से आती है गाड़ी, अपनी मंडोर गाड़ी आती है, वो प्लेटफार्म नंबर एक पे आके रुकी। तो जैसे उस सफाई कर्मचारी होते हैं, वो जैसे गाड़ी आती है तो उसको चेक करते हैं रेल कर्मचारी, उन्होंने लाइटिंग वगैरह जिसमें देनी नीचे उसमें गाड़ी के चेक करने के लिए मारी, तो उनमें कोई कपड़ा सा अलझा हुआ था। तो हमारे ड्यूटी अफसर वहीं पर थे, तो उन्होंने बोला सर कोई इसमें कुछ कपड़ा सा ऐसा कुछ लग रहा है, कुछ जिसमें अटका हुआ हो गाड़ी में। हमारे ड्यूटी अफसर है एसआई राजकुमार जी, जो मौके पे वहाँ हाजिर थे, उन्होंने आके देखा उसको, तो थोड़ा सा गाड़ी जैसे झटके से ड्राइवर आगे पीछे कराई तो उसमें से एक मेल की लेग साथल से कटी हुई, वो अलझी हुई थी उसमें, उसकी पैंट उसमें अलझी हुई थी। और वो वहाँ से जैसे वो किया तो वो पहचान हुई कि भाई ये कोई इस गाड़ी से कट गए, इसमें अलझा है। हमें दूसरी मीमो प्राप्त हुई रेल कर्मचारी के द्वारा, उसमें बतलाया कि भाई 80 अपना डोकी डाबड़ी की तरफ, पटोदी की तरफ, वहाँ पर एक महिला की जो है डेड बॉडी ट्रैक के बीच में पड़ी है, और तुरंत जीआरपी कार्रवाई पहुँचे। उसको संज्ञान में लेते हुए मैं तुरंत स्वयं, मैं और अपने साथ एक अपना आईओ एएसआई राजेश जी लेकर मैं अपनी गाड़ी तुरंत घटनास्थल पर पहुंचा। मौके पर पहुंचा तो वहां हमारे साथ आरपीएफ के जवान और वहां एक संदीप कर्मचारी रेल का जो वहां पहुंचे हुए थे, जिन्होंने जाके मौका देखा तो वहां पर महिला की बॉडी क्षत विजत हो रही थी, जो बिल्कुल उसका सर कुचला हुआ था और सर ऊपर से बिल्कुल कटा हुआ था उसका, नहीं पहचान में आया। तो हमने जैसे उसको वहाँ से अपनी कार्रवाई करके ना उसको वहाँ से सबको उठवा के एम्बुलेंस से और मोर्चरी में रखवाया। तो अभी कुछ हमने उसके प्रयास ही कर रहे थे, तो अभी कुछ मालूम चला है, आगे हम अभी कर रहे हैं उसकी जांच। जैसे ही आगे पूरी जांच कम होती है मुकम्मल, हम आप लोगों को बताएंगे कहाँ के ये बच्चे थे, क्या मामला था। अभी इसके बारे में कोई भी बात कहना बिल्कुल गलत होगा। अभी तक ये तो साफ है कि ये दोनों एक साथ ट्रेन के सामने कूदे हैं या फिर ये नहीं, बिल्कुल नहीं, ये कोई क्लियर नहीं हुआ है। जो हमें वो मिला है, मीमो मिला है, वो वहाँ पड़ा हुआ मिला, अज्ञात गाड़ी से है ये कन्फर्म है। लेकिन हम ये अपना एक हम अंदाज़ा लगा रहे हैं कि वो मंडोर गाड़ी में अटक के आया है, तो ये उस टाइम मंडोर गाड़ी से ही दोनों बच्चों का एक्सीडेंट हुआ है।